मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन या BM पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 13 है, वो कल शुरू हो गया था, जिसका नाम बीमा एक परिचय और महत्व है। तो आज संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अनिश्चितता या जोखिम से घिरा नहीं है। कुछ के पास बहुत कुछ है, किसी के पास उसे खोने का डर रहता है। चाहे वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, क्या चाहे वह छोटा सा उद्योग धंधा व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह छोटा सा दुकानदार राजनेता या अभिनेता खिलाड़ी खेल का आयोजक किसान मजदूर श्रमिक क्यों ना हो, व्यक्ति का सभी का जो जीवन है भविष्य है वो खतरों से भयभीत रहता है। किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को अपनी जल्दी मृत्यु होने की चिंता है, किसी को अपने परिवारजनों की चिंता है, किसी को अपने न होने पर अपने परिवार का क्या होगा उसकी चिंता है, किसी को प्राकृतिक विपदा जैसी कि बाढ़ तूफान भूकंप उपद्रव संपत्ति के नष्ट होने की चिंता है, किसी को अपने व्यवसाय के माल को सुरक्षित रखने की चिंता है। एक कर्मचारी को अपनी नौकरी की चिंता है तो मालिक को कर्मचारी के द्वारा विश्वासघात की चिंता है। तो मनुष्य का स्वभाव कि वह अपनी सुरक्षा चाहता है। तो हमने अपने को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने आदिम युग से वर्तमान तक अनेक उपाय किए हैं। उन उपायों में से एक उपाय है बीमा। बीमा उतना ही पुराना है जितना कि मानवीय सभ्यता। प्राचीन समय में इसका स्वरूप है वो अलग था। वर्तमान में बीमा का कार्य कंपनियों और निगमों के द्वारा संपादित होता है। ऋग्वेद में तो योग क्षेम वाहन में हम का शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि वस्तु के क्रय मूल्य, वस्तु के विक्रय मूल्य, वस्तु की मात्रा की दूरी, संबंधित व्यय और योग क्षेम अर्थात जोखिम तथा सुरक्षा की ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से कर वसूल किया जाना का उल्लेख है। प्रारंभ में बीमा की जरूरत व्यक्ति और माल को की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी, किंतु वर्तमान में बीमा सुरक्षा के साथ साथ विनियोग और उत्पादन में वृद्धि के अवसर भी उपलब्ध करवा रहा है। कल हमने बीमा की सामान्य परिभाषा हम पढ़ रहे थे, उसमें सर विलियम बीवरेज और जॉन मेगी की परिभाषा को पढ़ रहे थे। तो सर विलियम बीवरेज के अनुसार क्या है बीमा? सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति का सामूहिकता के आधार पर, समूह के आधार पर, जिस समूह में लाखों करोड़ों व्यक्ति हो, उस सामान्य व्यक्ति के लिए वो लाखों करोड़ों व्यक्ति वो अंशदान करते, छोटा सा अंशदान करते हैं, उस अंशदान का नाम ही बीमा है। इस परिभाषा के अनुसार एक के जोखिम को जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता, तो मिलजुल कर उसके जोखिम को उठाना, मिलजुल कर उसके खतरे को उठाना, मिलजुल कर उसके परिवार को सुरक्षा देना, इसी का नाम बीमा है। जॉन मेगी के अनुसार बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में, जिसमें लाखों और करोड़ों व्यक्ति होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को, तो लाखों और करोड़ों व्यक्ति मिलकर बड़ी संख्या में किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं, उसी का नाम बीमा है। तो जॉन मेगी के अनुसार बीमा क्या है? बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलकर एकांकी अकेले व्यक्ति के जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। थॉमस के अनुसार, थॉमस ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया कि बीमा एक प्रावधान है, बीमा एक लीगल प्रावधान है जो कि एक विवेकशील व्यक्ति यदि आकस्मिक और अवश्यंभावी घटनाएं, हानियां या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है, तो वह जोखिम को बांटने, ये एक तरीके से उसे जोखिम को फैलाने या जोखिम को कम करने या जोखिम को बिल्कुल लोगों में बांटने या फैलाने का एक तरीका है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बीमा वास्तव में क्या है? जोखिम को फैलाने का सामाजिक तरीका है, जिसमें समान जोखिम से घिरे व्यक्ति क्या करते हैं,
इसमें सामान्य जोखिम से घिरे व्यक्ति अपने जोखिमों को दूसरे व्यक्ति, दूसरे समुदाय, दूसरे लोगों के साथ जो बीमित हैं, स्वयं बीमित हैं, ऐसे लाखों और करोड़ों लोगों के अंशदान से अपने अपने जोखिम को वह दूसरे व्यक्तियों को या किसी संस्था को या बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है और सब मिलजुल कर, जिसमें लाखों और करोड़ों लोग होते हैं, उनके जरा से छोटे से अंशदान से उस व्यक्ति को लाखों की सहायता मिल जाती है। तो इस प्रकार से मिलजुल कर सामूहिक रूप से उसे बांट लेती हैं। तो जैसा मैंने थॉमस की परिभाषा से बताया कि बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक या अवश्यंभावी घटना, हानियां या दुर्भाग्य की विरुद्ध करता है। यह जोखिम को बांटने या फैलाने का एक तरीका है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बीमा जोखिम को फैलाने का सामाजिक और सहकारी तरीका है, जिसमें समान, इसमें क्या होता है, समान जोखिम से घिरे व्यक्ति अपने जोखिमों को दूसरे व्यक्तियों या किसी संस्था को स्थानांतरित कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति और किसी संस्था को स्थानांतरित कर देते हैं, अथवा सब मिलजुल कर बांट लेते हैं, उसी का नाम क्या है, बीमा है। कार्यात्मक या व्यवसायिक परिभाषा। कुछ विद्वानों ने बीमा की कार्यात्मक परिभाषा दी है। बीमा की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार बीमा के द्वारा हानि से सुरक्षा या हानि की पूर्ति की जाती है। इन परिभाषाओं के अनुसार बीमा बीमित को हानि से सुरक्षित रखने, और एक तरीके से इन परिभाषाओं का क्या अर्थ है, इन परिभाषाओं के अनुसार बीमा क्या है, बीमित को जिस प्रकार बीमा किया गया है और बीमाकर्ता जिस कंपनी या एजेंसी के द्वारा बीमा किया जाता है, तो बीमित को हानि से सुरक्षा देने वाला और यदि हानि हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की प्रक्रिया का नाम है। ब्रिटानिका विश्वविद्यालय के अनुसार, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, कि बीमा एक सामाजिक तरीका है, एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समुदाय जिसमें लाखों और करोड़ों लोग होते हैं जो बीमा करवाते हैं, वो क्या करते हैं, छोटा छोटा समान अंशदान करते हैं, और समान अंशदान के द्वारा अपने जो सदस्य हैं, समूह के सदस्य हैं जिन्होंने बीमा करवा रखा है, उनके आर्थिक हानि को या तो कम कर देते हैं या दूर कर देते हैं। तो क्या है, ब्रिटानिका विश्वविद्यालय के अनुसार क्या है, बीमा क्या है, एक सामाजिक तरीका है जिसमें व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह, व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने समूह के किसी एक व्यक्ति की होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति या होने वाली हानि को या तो कम कर देता है या उसे दूर कर देता है। रागल और तथा मिलर के अनुसार क्या भी, बीमा वह सामाजिक योजना है जिसके द्वारा आकांक्षी व्यक्तियों के निश्चित जोखिम को समूह के साथ जोड़ा जाता है तथा जोखिमों को अधिक निश्चित किया जा सकता है। सभी व्यक्ति इसमें क्या करते हैं, बीमा में सभी व्यक्ति द्वारा समय समय पर जो छोटा छोटा अंशदान दिया जाता है, जो अल्प अंशदान दिया जाता है, इससे निर्मित कोष से जो अंशदान एकत्रित किया जाता है, छोटा सा अंशदान एकत्रित किया जाता है, उससे जो समूह के सदस्य होता है, उस समूह के सदस्य की हानि की पूर्ति की जा सकती है। तो बीमा क्या होता है, जिसमें बीमित की हानि या बीमित को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति उस समूह के अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने छोटे छोटे अंशदान से की जाती है, हानि की पूर्ति की जाती है। तो फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार के जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष से अंशदान करते हैं, जिससे कि यदि किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को यदि कोई जोखिम हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, यदि कोई नुकसान हो गया है, तो उससे होने वाली हानियों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार सभी क्रियात्मक परिभाषा क्या बताते हैं, कि बीमा एक सामाजिक उपाय है। तो बीमा क्या है, एक सामाजिक उपाय है जिसके अंतर्गत
बड़ी संख्या में लोग एक संगठन के अंतर्गत कुछ जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंशदान या प्रीमियम देकर कोष का निर्माण करते हैं। तो बीमा एक क्या है, बीमा इसमें बड़े लोगों का एक संगठन है या बहुत बड़ी संख्या में लोगों का संगठन है जिसमें लाखों और करोड़ों व्यक्ति होते हैं जो अपना अंशदान करते हैं, प्रीमियम भरते हैं और एक कोष का निर्माण करते हैं। यदि उस कोष के द्वारा यदि सदस्यों को किसी प्रकार अन्य किसी एक सदस्य को या पांच सदस्यों को किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है तो जो संचित कोष है जिसे लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने अपने प्रीमियम के द्वारा एकत्रित किया है तो ऐसे व्यक्तियों के को होने वाले जोखिम से हानि जो जोखिम के कारण जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। अनुबंधात्मक परिभाषा, अनुबंधात्मक तरीके से क्या है कि बीमा एक अनुबंध है बीमित और बीमाकर्ता। बीमित वह व्यक्ति जिसका बीमा किया गया, ठीक है ना, बीमित वह व्यक्ति होता है जिसका बीमा किया गया और बीमाकर्ता जिसके द्वारा बीमित को क्षतिपूर्ति से नुकसान होने पर या नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है उसे हम बीमाकर्ता कहते हैं। तो बीमित कौन होता है, जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है, और बीमाकर्ता जो क्षतिपूर्ति या हानि होने पर उसे पूरा करने का वचन देता है। तो ये परिभाषाएं बीमा के वैधानिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। न्यायमूर्ति टिंडान के अनुसार, न्यायमूर्ति टिंडान ये परिभाषा बहुत अच्छी है, बीमा एक अनुबंध है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता है। क्या होता है ये समझौता, किस किस के बीच में होता है, इसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि के और निश्चित घटना के घटित होने पर जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है, जिसमें बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की स्थिति में जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। रीगल और मिलर क्या कहते हैं, ये भी परिभाषा बहुत अच्छी है, इसको भी अंडरलाइन करने, वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है, एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट है बीमित और बीमाकर्ता के बीच में। तो यह बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार से प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत, बीमादाता का अर्थ यहाँ पर हो गया बीमाकर्ता, बीमित को जिसका बीमा किया गया है को समझौते के तहत होने वाली जो वित्तीय हानि है उसको पूरा करने का ठहराव करता है, यानी कि एक तरीके से समझौते में बनते हैं और बीमित इसके लिए उसे प्रीमियम चुकाने का वचन देता है या सहमत हो जाता है। तो रिगल और मिलर की परिभाषा, मोनिका बेटा, सत्यदेव, बुढ़ानिया, शुभम, आप अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो रिगल और मिलर क्या कहते हैं कि बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक समझौता है, एक अनुबंध है जिसके तहत जो बीमाकर्ता है वो बीमित को होने वाली क्षतिपूर्ति को पूरा करने का वचन देता है, जिसके बदले बीमित है वो उसे नियमित रूप से अंशदान या प्रतिफल चुकाने पर सहमत हो जाता है। पेटरसन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है, इसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल जिसे हम प्रीमियम कहते हैं के बदले किसी दूसरे पक्षकार को का जोखिम ले लेता है तथा किसी विशेष घटना के घटित होने पर वह व्यक्ति को एक निश्चित या निश्चित की जाने वाली राशि को भुगतान का वचन देता है। तो पेटरसन की परिभाषा है वो भी कुछ हद तक एक अनुबंधीय परिभाषा है, जिसके अंतर्गत बीमा एक अनुबंध है, बीमा इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार यानी कि एक पक्षकार जिसे हम बीमित कहते हैं वो प्रीमियम या अंशदान करता है, इसके बदले जो दूसरा पक्षकार जिसे हम बीमाकर्ता कहते हैं वो उसका जोखिम अपने ऊपर ले लेता है, और यदि किसी घटना के आकस्मिक घटना के घटित होने पर जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति है वो बीमाकर्ता के द्वारा की जाती है। बीमा की वैधानिकता, बीमा क्यों जरूरी है या बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है,
उपयुक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि बीमा वास्तव में बीमा क्या है। दो पक्षकार होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है। बीमित जिसका बीमा किया गया है और बीमाकर्ता जिसने बीमा की शर्तें रखी है और क्षतिपूर्ति के बदले भुगतान का वचन देता है, तो इसके बदले बीमित उसे प्रतिफल या अंशदान या प्रीमियम देता है, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को निश्चित कारणों से होने वाली क्षतिपूर्ति और निश्चित घटनाओं के घटित होने पर एक धनराशि को भुगतान का वचन देता है। तो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि बीमा के दो पक्ष होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता, जिसमें बीमित बीमाकर्ता को एक प्रीमियम, एक निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम के बदले बीमित को, जिसमें बीमाकर्ता है, जिसमें बीमित एक निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम भरता है, उसके बदले बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले बीमित को होने वाली आशंकाओं, होने वाले खतरों, दुर्भाग्यशील घटनाओं के घटित होने पर उसे क्षतिपूर्ति का, एक निश्चित राशि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। तो बीमा के दो पक्ष होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। बीमित जिसने बीमा लिया है, बीमाकर्ता जिसने क्षतिपूर्ति का वचन दिया है। तो बीमित जिसने बीमा लिया है और बीमाकर्ता जिसने बीमित को क्षतिपूर्ति का की पूर्ति का वचन दिया है। तो बीमा के दो पक्ष होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। बीमित वह व्यक्ति है जिसने अमुक बीमा लिया है, जिसने प्रीमियम या अंशदान किया है, बदले में बीमाकर्ता ने निश्चित घटना के घटित होने पर, नुकसान होने पर उसको एक निश्चित मात्रा में धन की पूर्ति का वचन दिया है। बीमित और बीमाकर्ता, बीमित जिसने बीमा लिया है और बीमाकर्ता जिसने क्षतिपूर्ति का वचन दिया है। बीमित जिसने बीमा लिया है और प्रतिफल या जिसे हम प्रीमियम कहते हैं उसका भुगतान किया है, और बीमाकर्ता वह व्यक्ति है जिसने क्षतिपूर्ति के बदले एक निश्चित धनराशि के को देने का वचन दिया है। तो इस प्रकार हम बीमा की परिभाषा को हमने देखा है। बीमा की वैधानिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको आपको समझना है, लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।